दिस इज राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स में वी विल डिस्कस द केमिस्ट्री सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर द सेशन 2021 एंड 2022 एंड टर्म वन के लिए क्वेश्चन पेपर है 90 मिनट्स का पेपर होगा एंड 35 मार्क्स का होगा जनरल इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है थ्री सेक्शन होंगे सेक्शन ए ट्वेंटी फाइव सेक्शन बी ट्वेंटी फोर सेक्शन सी सिक्स क्वेश्चन नाउ सेक्शन ए में से 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन बी में से 24 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस क्वेश्चन करने हैं एंड सेक्शन सी में सिक्स क्वेश्चन में से फाइव क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग और इक्वल मार्क्स के हैं सभी क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर वन सही स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट बतानी है हमें इन चारों स्टेटमेंट्स में से

नाइट्रोजन में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है एन और एन में इसीलिए यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिव होती है तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है ऑप्शन सी नाइट्रोजन शोज हायर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन देन पी नो बिकॉज पी एग्जिस्ट करता है फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है एज पी फोर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है एज एन टू सो क्लियरली यहाँ पे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा है तो ये वाला भी ऑप्शन यहां पे है इनकरेक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी एन एन बॉन्ड इज वीकर देन पी पी बॉन्ड ये बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट है यहां पे बिकॉज यहां पे एन और एन में लोन पेयर प्रेजेंट है लोन पेयर तो यहां पे भी प्रेजेंट है बट यहां पे एक स्मॉलर एरिया में लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या होगा रिपल्शन ज्यादा होगी ज्यादा रिपल्शन होने से क्या हो जाएगा बॉन्ड वीकर हो जाएगा ठीक है सो लेट्स नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इनमें से कौन सा एक नॉन स्टीच्योमेट्रिक डिफेक्ट है तो फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट तो होते हैं स्टीच्योमेट्रिक डिफेक्ट्स बिकॉज इन दोनों के ही केस में स्टीचोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो स्मॉलर आयन होता है यूजली द केटाइन वो अपनी साइड से उठ के इंटस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेता है बट नंबर ऑफ केटाइन और नंबर ऑफ अनाइंस तो सेम ही रहते हैं और शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और अनाइन मिसिंग होते हैं अपनी लेटेस्ट साइड से तो जब इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और अनाइन मिसिंग है तो यहां पे भी स्टीचियोमेट्री कंजर्व रहेगी

इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है स्टेटमेंट क्या गिवन है किसी सोल्यूशन के लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हर वॉलेटाइल कंपोनेंट का इन सोल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल होता है वो इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन तो ये किसकी स्टेटमेंट होती है दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ विच इज ऑप्शन बी हेनरी लॉ क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ लिक्विड किसके प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के एंड अकॉर्डिंग टू डॉल्ट लॉ क्या होता है कि जो टोटल प्रेशर होता है जब हम गैसेस को मिक्स करते हैं वो किसके इक्वल होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस एंड गेल एक्स लॉ में तो क्या होता है कि जो प्रेशर है वो वेरी करता है विथ टेम्परेचर जब वॉल्यूम को हम रखते हैं कांस्टेंट सो गेल एक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर फोर पिंक कलर ऑफ एल आई सी एल क्रिस्टल्स इज ड्यू टू तो लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स का कलर पिंक किसकी वजह से होता है ये होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से बिकॉज जो लिथियम पॉजिटिव आइंस होते हैं वो होते हैं एक्सेस में और क्रिस्टल लैटिस में ट्रैप हो जाते हैं जिसके कारण दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर्स जिनको हम क्या बोलते हैं फाब सेंटर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कलर क्वेश्चन नंबर फाइव इनमें से किस आइसोमर का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा ऑप्शन ए इज वन टू बेंजीन तो ये बन गई बेंजीन वन एंड टू पोजीशन पे क्लोरीन तो ये बन गई वन टू बेंजीन दिस इज वन थ्री बेंजीन एंड वन फोर बेंजीन क्या होगी एक यहां पे और एक यहां पे क्लोरीन प्रेजेंट है ठीक है तो ये सारे आपस में क्या है आइसोमर्स हमें बताना है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा वन फोर डायक्लोरोन का बिकॉज वी नो कि इस केस में क्या है सेमिट्री है सेमिट्री है तो बेटर पैकिंग होगी लैटेस्ट में और अगर बेटर पैकिंग होगी तो उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सिक्स इनमें से कौन सी रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं करती है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है क्या ग्लूकोज का सी एच ओ सी एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच अगेन एच ओ एच एंड सी एच टू ओ एच सो दिस इज बेसिकली द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ऑप्शन ए क्या गिवन है कि पेंटा एसिटेट फॉर्म होता है ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ वॉट इज एसिटिक एनहाइड्राइट सी एच थ्री सी ओ ओ सी ओ सी एच थ्री यही है एसिटिक एनहाइड्राइड तो होगा क्या यहाँ पे ये यह जितने भी ओ OH एच ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये यह यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और क्या फॉर्म हो जाएगा देखो यहाँ से गया H और यहाँ से गया सी एच थ्री सी ओ ओ तो ये क्या बन गया सी एच थ्री सी ओ ओओ एच विच इज एसिटिक एसिड बचा क्या सी ओ सी एच थ्री ये जाके किसके साथ जुड़ जाएगा इस ओ के साथ तो ये बन किया जाएगा फिर यहाँ पे ये ओ ओ के साथ जुड़ा सी ओ सी एच थ्री सो बेसिकली ये कौन सा ग्रुप हो गया सी एच थ्री सी ओ ओ और इधर भी आर ग्रुप इधर भी आर ग्रुप है ना सी ओ ओओ के तो ये है पर्टिकुलरली एक एस्टर आर सी ओ आर एस्टर ग्रुप को ही तो बोलते हैं सो so, यहाँ पे हमारे पास बन गया एक एसीटेट सिमिलरली यहाँ से दूसरा एसीटेट यहाँ से तीसरा यहाँ से चौथा और यहाँ से पांचवा तो पेंटा एसीटेट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है बट हमें बताना है कि कौन एक्सप्लेन नहीं करता अब हम आते हैं ऑप्शन बी पे ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विद टू फोर डी एन पी रियजेंट नो बिकॉज यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो तो टू फोर डायनाइट्रोफिनाल हाइड्रोजीन के साथ टेस्ट देता ही नहीं है ऑप्शन सी सिल्वर मिरर फॉर्मेशन विद टॉलेंस रिएजेंट तो टोलेंस रिएजेंट के साथ इट फॉर्म्स अ सिल्वर मिरर बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी गिवन है दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड चेन में ही पॉसिबल है ओपन चेन में पॉसिबल नहीं है बिकॉज अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स हैं क्या ग्लूकोज की सो दिस इज द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज द बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में क्या है कि ये ओ OH ग्रुप और ये सी एच टू ओ एच ग्रुप एक दूसरे के ओपोजिट लगे होते हैं एंड बीटा फॉर्म में ये ओ OH ग्रुप और ये सी एच टू ओ एच ग्रुप एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे लगे होते हैं सो ऑब्वियसली बिकॉज ये क्लोज स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का तो इसको हम ओपन चेन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन सिक्स इज ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर सेवन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग ईथर किस टाइप की रिएक्शन है सो विलियमसन सिंथेसिस में हम करते क्या है अल्कोहल से ईथर प्रिपेयर करते हैं वाया एल्कोक्साइड सो दिस रिएक्शन इज एन एसेंट टू रिएक्शन क्वेश्चन नंबर एट क्लोरीन वाटर लूज कर देता है अपना येलो कलर ऑन स्टैंडिंग बिकॉज सो ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज क्लोरीन रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म एच सी एल एंड साथ में एच ओ सी एल दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड ठीक है यही वजह है कि हम क्लोरीन को डार्क बॉटल्स में स्टोर करते हैं बिकॉज लाइट की प्रेजेंस में क्या कर लेता है मिक्सचर फॉर्म कर लेता है एच ओ सी एल का और एच सी एल का दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ बिकॉज क्लोरीन डेंसर और हैवियर होती है एयर से इसीलिए हम इसको कलेक्ट करते हैं बाय अपड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल का टू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक मीडिया तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है सी द फर्स्ट स्टेप इज हमने करना क्या है अल्कोहल को कोई भी अल्कोहल यहाँ पे ले लेते हैं हम से हमने ये यहाँ पे ले लिया है अल्कोहल ठीक है अब बिकॉज यहां पे है एसिडिक मीडिया तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस एच पे अटैक करेगा और ये बन किया जाएगा यहां पे. इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी और ये यहां पे बन जाएगा क्या ये सो so बेसिकली यहां पे हुआ क्या है फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुई है सेकेंड स्टेप में अब क्या होगा यहां से ये जाएगा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा एंड थर्ड स्टेप में हो जाएगी डी प्रोटोनेशन मतलब यहां से ये जाएगा ये बॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो बन जाएगी एल्कीन सो फर्स्ट स्टेप क्या है प्रोटोनेशन किसका अल्कोहल मोलिक्यूल का सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर टेंथ जो अमोर्फस सोलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं या एन आइसोट्रोपिक तो जो अमोर्फसिड्स होते हैं वो होते हैं दैट दैट इज इज ऑप्शन ए उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं अलोंग ऑल द डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर इलेवन इनमें से कौन सी रिएक्शन को यूज करते हैं टू प्रिपेयर सैलिसलडी हाइड वॉट इज सेलिसी हाइड ये है बेंजीन इसके साथ ओ OH एच और सी तो ये बन गया सेलिसी हाइड बहुत ही फेमस रिएक्शन है फिनोल से सेलिसलडिहाइड को फॉर्म करने की और ये कौन सी रिएक्शन है दिस इज द रीमर टीमैन रिएक्शन नाउ इन केस ऑफ कोलबे रिएक्शन क्या बनता है सेलिसिक एसिड बनता है एंड केस ऑफ इटार्ड रिएक्शन क्लोराइड का यूज करते हैं और बनता क्या है यहाँ पे बेंजल एंड स्टीफन रिएक्शन इज अ रिडक्शन रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड्स सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दीज ऑल रिएक्शन आई हैव ऑलरेडी इन का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन सॉलिड सोल्यूशन क्या होता है जिसमें सॉलवेंट भी सॉलिड हो और सोल्यूट भी सॉलिड हो दैट इज सॉलिड इन सॉलिड 22 टू कैरेट गोल्ड ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज यहाँ पे क्या है 22 टू कैरेट तो क्या है गोल्ड एंड जो बाकी का टू है दैट इज 24 में से न बी कॉपर और सिल्वर क्वेश्चन जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अल्कोहल्स के वो हायर होते हैं जब हम उनको कंपेयर करें अदर हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मासस से तो ऐसा क्यों होता है इजिएस्ट क्वेश्चन है वी नो अल्कोहल्स केस में होती क्या है इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज एक मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है एक मोलिक्यूल का ओ दूसरे मोलिक्यूल के एच के साथ क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंगज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट सो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है ऑक्सीजन फैमिली के लिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो होगा वाटर का ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस वेंड्रोवॉल्व फोर्सेज इंक्रीज तो सबसे ज्यादा हो जाएगा इसके बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट टीई काल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है एच टू एस का दैट इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है वो हमें बतानी है ऑप्शन ए Fibrous proteins are generally soluble in water no fibrous proteins are generally insoluble in water. Option B albumin is an example of fibrous protein no albumin a globular protein hai. option C fibrous protein may the structure hai, it is stabilized by hydrogen bond and disulfide bonds So yes both fibrous proteins and globular proteins so both fibrous proteins and globular proteins, कॉन्स्टिट्यूट द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन और जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का इट इज स्टेबिलाई बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स डायसल्फाइड एंड ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी पी एच नॉट इफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो डिसरप्ट नहीं होता है पीएच चेंजेस से ठीक है सो so, यहाँ पे बोथ ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटींथ मेजर प्रोडक्ट ऑप्टेन कौन सा होता है जब हम रिएक्शन करते हैं थ्री फिनाइल प्रोपीन की विद एच बी आर इन दस ऑफ ऑर्गेनिक सो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे इतनी चीज देखें कि हमने एक अल्किन की रिएक्शन करवानी है एच बी आर के साथ एंड ऑल्सो परोक्साइड के साथ तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल यहाँ पे फॉलो होगा अब देखते हैं फॉर्म क्या होगा थ्री फिनाइल प्रोपीन इज प्रोपीन पहले बना लेते हैं हम अब यहाँ पे थ्री पे लगा होगा फिनाइल सो दिस विल बी थ्री फिनाइल प्रोपीन। नाउ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद एच पी आर इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ टू तो यहाँ पे क्या होगा एडिशन होगी डबल बॉन्ड के क्रॉस वाले कार्बन एटम्स पे अब जिस कार्बन एटम के पास ओरिजिनली कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसे हम देंगे हाइड्रोजन सो so, इसके पास जाएगा हाइड्रोजन इसके पास जाएगी ब्रोमीन तो ये बन क्या जाएगा बेंजीन बेंजीन के साथ सी एच टू अब इस कार्बन पे एक और एच आ गया तो ये भी बन गया सी एच टू और यहाँ पे अब क्या आ गई है ब्रोमीन और यहाँ से हट क्या गया है एक डबल बॉन्ड सो तो ये क्या बन गया है यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अब नेमिंग करेंगे इसकी नाउ ये है क्या ब्रोमीन एक हेलोजन है तो इसको प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी फिनाइल को प्रायोरिटी मिलेगी बेंजीन रिंग को तो नेमिंग इसकी यहाँ से होगी तो ये बन जाएगा वन पे आएगा फिनाइल एंड थ्री पे आएगा ब्रोमो एंड फिर ये हो गया प्रोपेन दैट इज वन फिनाइल थ्री ब्रोमो प्रोपेन ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सी एक करेक्ट स्टेटमेंट है फॉर इथाइल ब्रोमाइड ऑप्शन ए ये रिएक्ट करता है विद मेटेलिक सोडियम टू गिव इथेन सो ये क्या है इथाइल ब्रोमाइड दैट इज दिस इज एन अल्काइल हलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कौन सी रिएक्शन हुई वुड्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन में होता क्या है C2H5Br सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर साथ में एक और बार होगा C2H5Br यहाँ से NaBr निकल जाएगा बनेगा क्या ब्यूटेन तो ब्यूटेन फॉर्म हो रहा है ना कि इथेन सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग सेकंड स्टेटमेंट इट गिव्स नाइट्रो इथेन ऑन हीटिंग विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO2 अगर हम C2H5Br की रिएक्शन AgNO2 के साथ करवाएं तो यहाँ पे हमें मिलेगा सी टू एच फाइव एनओ टू दैट इज नाइट्रो इथेन बिल्कुल सही है और अगर यही रिएक्शन हम करवाते के एन ओ टू के साथ दैट इज अगर सी टू एच फाइव बी आर के एन ओ टू के साथ रिएक्शन करता तो यहाँ पे हमें मिलता सी टू एच फाइव ओ एन ओ दैट इज इथेन नाइट्राइट सो यहां पे इस केस में जो सेकंड बी है ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन सी देखते हैं इट गिव्स अल्कोहल ऑन बॉइलिंग विद अल्कोहलिक पोटैश तो अल्कोहलिक पोटैश दल्कोहलिक के ओ एच का क्या काम होता है एलिमिनेशन करवाना ये एलिमिनेशन करवाता है ना कि सब्स्टिट्यूशन तो अगर ये एलिमिनेशन करवाएगा तो यहाँ पे ओ OH एच कैसे सब्सटीट्यूट होगा बी आर की जगह पे नहीं सब्सटीट्यूट होगा इन यहाँ पे फॉर्म क्या हो जाएगी एक एल्कीन फॉर्म होगी सो so, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट डी इट फॉर्म्स डाई इथाइल ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक के एस एच तो अल्कोहलिक के एस एच के साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो बी आर की जगह पे जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा एस एच दैट इज फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे सी टू एच फाइव एस एच एक थायोल फॉर्म होगा सो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन सी ऑप्शन डी सारे ही इनकरेक्ट हैं करेक्ट है ऑप्शन बी तो के पास प्रेजेंट नहीं होते हैं तो अपनी कोविलेंसी को फोर से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर नाइनटींथ सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स डिक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर ऐसा क्यों है बिकॉज डिजोल्यूशन इज एन किस टाइप का प्रोसेस है यहाँ पे सी दिस कैन बी गिवन बाई लीच टिलियर प्रिंसिपल जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी रिएक्शन अपने हुए इफेक्ट को रिवर्स करने की कोशिश करती है सो so, अगर यहाँ पे जो डिजोल्यूशन है सॉल्यूबिलिटी है जो वो डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होती तो सॉल्यूबिलिटी इंक्रीज करती विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट अकॉर्डिंग टू लीचर प्रिंसिपल क्योंकि यहाँ पे सोलिबिलिटी डिक्रीज कर रही है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी क्वेश्चन ट्वेंटी ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप फिफ्टीन शो एलोट्रोपी बट इसके एक्सेप्शन क्या है ग्रुप फिफ्टीन में बोध ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी दैट इज नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ दोनों ही एलोट्रोपी शो नहीं करते बट अगर इन दोनों में से भी हमें कोई एक ज्यादा एप्ट आंसर चूज करना है तो दैट विल बी ऑप्शन ए दैट इज नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज नाउ कमिंग टू क्वेश्चन ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड क्या होता है जो बहुत ही ज्यादा यूनिट से मिलके बना हो जो मोनोसेकेराइड होता है उसमें एक ही यूनिट होती है डायोसेक्राइड में टू यूनिट्स और पॉलीसेकेराइड में दो से भी ज्यादा यूनिट्स सो so, ग्लूकोज क्या है ग्लूकोज तो एक मोनोसेक्राइड है माल्टोज इज अ डायसेक्राइड एंड लैक्टोस इज ऑल्सो अ डायसेक्राइड माल्टोज बनता है ग्लूकोस प्लस ग्लूकोज से लैक्टोस इज फॉर्म फ्रॉम अ यूनिट ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन यहाँ पे क्या है ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेक्राइड बिकॉज यहाँ पे तीन ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में कंबाइंड होती हैं करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कमिंग टू यहाँ पे किसका होगा ऑब्वियसली नोबल गैस का व्हिच इज हीलियम ऑप्शन डी ऐसा क्यों है बिकॉज ये एक मोनो ऑटोमिक गैस है और अटोमिक मास इसका क्या है कम सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लोअर मोलिकुलर मास अल्कोहल्स आर तो जो अल्कोहल्स कम मोलिकुलर मास वाले होते हैं उनमें हाइड्रोफोबिक पार्ट कम होता है तो हमें पता है कि वो मिसिबल तो होते हैं वाटर में बट अब क्या वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर में मिसिबल है या एक्सेस ऑफ वाटर में मिसिबल है या वो मिसिबल है वाटर में हर तरह के प्रोपोर्शन में या तो वो इमिसिबल है ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट है यहाँ पे बिकॉज वी नो दैट अल्कोहल्स आर मिसिबल इन वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इसीलिए दे आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शंस जा सकता है अपनी फॉर एग्जांपल इन सी एल ओ फोर एंड सी एल टू ओ सेवन इन दोनों केसेस में ही क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज ब्लड सेल्स विल श्रिंक तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका सोल्यूशन आइसोटोनिक होता है विद सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जब सोडियम क्लोराइड 0.9% परसेंट सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन प्रेजेंट हो नाउ कब श्रिंकिंग होती है ब्लड सेल्स की जब सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होने का क्या मतलब है कि जो सेल को सराउंड करता हुआ फ्लूड है ठीक है उसमें ज्यादा कंसेंट्रेशन है सल्यूट की एज कम्पेयर टू सेल के अंदर जितनी वहाँ पे कंसेंट्रेशन है सल्यूट की ठीक है तो अगर सल्यूट की कंसेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है और सेल में कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में होता क्या है एक लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है सो यहाँ पे अब है लोअर कंसेंट्रेशन यहाँ पे है हायर कंसेंट्रेशन होगी के कारण तो क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा जाएगा यही हमें बताना है कि किस केस में ब्लड सेल श्रिंक होगा मतलब किस केस में हमें ब्लड सेल श्रिंक होता हुआ दिखेगा जहां पे जो सल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी तो अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन 0.9 परसेंट है और अगर सेल को हमने ऐसे वाटर में प्लेस कर दिया जिसमें कंसंट्रेशन एन की 0.9 परसेंट से ज्यादा है मोर देन 0.9 परसेंट तो वहां पे क्या हो जाएगी फिर श्रिंकिंग हो जाएगी सेल की सो विथ क्वेश्चन नंबर 25 वी हैव फिनिश्ड सेक्शन ए कमिंग टू सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 26 सिक्स कितना इथाइल अल्कोहल हमें ऐड करना चाहिए वन लीटर ऑफ वाटर में सो दैट द सोल्यूशन विल फ्रीज एट माइनस फोर्टीन डिग्री सेंटीग्रेड सो क्लियरली ये वाला जो न्यूमेरिकल है कहाँ से है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्लियरली हमें क्या गिवन है वाटर तो जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का दैट इज जीरो डिग्री सेल्सियस तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगा कि जो ओरिजिनली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज जीरो डिग्री सेंटीग्रेड माइनस अब जो उसका सल्यूट डालने के बाद हो चुका है फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो चुका है उसका माइनस फोर्टीन डिग्री सेंटीग्रेड सो यहां से डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या आ जाती है फोर्टीन नाउ वी नो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम वेयर एम इज मोलैलिटी तो यहां पे ये यह क्या हो जाएगा फिर के एफ वॉट इज मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सल्यूट इन किलोग्राम अगर ग्राम में करना है तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय थाउजेंड तो ये किसकी वैल्यू आई है डेल्टा टी एफ की बट हमें यहाँ पे निकालना क्या है हमें निकालना है यहाँ पे कि कितना इथाइल अल्कोहल ऐड करें सो बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट एन ओवर हेयर तो एन कैसे निकलेगा यहाँ पे एन विल बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ इन टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय के एफ इन टू थाउजेंड सो बस अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे एन यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा टी एफ की कितनी वैल्यू कैलकुलेट की है हमने फोर्टीन इंटू मास ऑफ सोलवेंट अब यहाँ पे क्या आएगा सी यहाँ पे गिवेन है वन लीटर ऑफ वॉटर तो उसको हम यहाँ पे क्या ले लेंगे वन लीटर को वन के जी ले सकते हैं एंड वन के जी को थाउजेंड ग्राम ले सकते हैं ठीक है तो ये यह यहाँ पे आ गया थाउजेंड के एफ की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में ऑलरेडी गिवन है कितनी है 1.86 1.86 तो पे पे हमने किया किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फिर thousand के साथ जो ये रहा so तो इट ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन कौन सा रिएजेंट रिक्वायर होगा वन स्टेप कन्वर्जन के लिए क्लोरोबेंजीन को टोलुइन में कन्वर्ट करने के लिए तो क्लोरोबेंजीन है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन तो ये क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर तो इस तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगी फ्रीडुल्स असाइलेशन रिएक्शन इस रिएक्शन में होता क्या है सी एच थ्री सी एल और एल सी एल थ्री रिएक्ट करेंगे ए एल सी एल फोर नेगेटिव बनेगा और सी एच थ्री पॉजिटिव बनेगा तो अब ये जो सी एल है वो इसको डायरेक्ट करेगा कि ये कहाँ पे जाए ठीक है तो यहाँ पे ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनेगा बट हमें तो ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं चाहिए तो ऑप्शन ए हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे ऑप्शन बी देखते हैं अगर हम यहाँ पे सी एच थ्री सी एल यूज करें साथ में सोडियम और ड्राई ईथर यूज करें तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी ये क्या है हमारे पास अराइल हलाइड ये क्या है हमारे पास अल्काइल हलाइड साथ में क्या है सोडियम एंड ड्राई ईथर तो ये कौन सी रिएक्शन बन गई ये बन गई है अब वुड्स फिटिग रिएक्शन और इस रिएक्शन में अब होता क्या है अगर हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ली है क्लोरोबेंजीन के साथ वी ऐड सोडियम साथ में हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है सी एच थ्री सी एल तो यहाँ पे होगा क्या एन ए से रिमूव हो जाएगा और ये बेंजीन के साथ जाके जुड़ जाएगा ये वाला चाहिए थी सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दिस रिएक्शन इज वु फिटिंग रिएक्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ऑन पार्शियल हाइड्रोलिस एक्सीएफ सिक्स गिवस तो ये है जीनॉन केमिस्ट्री में से अब यहां पे क्या है ये तो एक रट्टाफिकेशन रिएक्शन है जब हम पार्शल हाइड्रोलिस करेंगे एक्सई एफ सिक्स की तो ये क्या बन जाएगी फिर यहां पे एक्स ई ओ टू एफ टू फॉर्म होगा एंड साथ में फोर एच एफ विल बी फॉर्मड इन ऑर्डर टू बैलेंस द रिएक्शन सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट सुक्रोज स्टेटमेंट ए क्या गिवन है कि ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देती है नो no. यहीं पे ये ऑप्शन हो जाती है इनकरेक्ट बिकॉज सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऑप्शन बी इट अंडरगोज म्यूटा रोटेशन नो म्यूटा रोटेशन भी अंडरगो नहीं करती है ऑप्शन सी इट अंडरगोज इनवर्जन इन कन्फिग्रेशन ऑन हाइड्रोलिसिस बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है एक्चुअल में जो सुक्रोज होती है वो होती है डेक्सट्रो रोटेटरी इन नेचर बट जब हम उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वहां से हमें मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज होता है रोटेटरी फ्रक्टोज होता है लीवो रोटेटरी बट जो ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन होती है वो हो जाती है लीवो रोटेटरी सो यहाँ पे इन्वर्ट हो जाती है कन्फिग्रेशन रोटेटरी से थर्टी फिनोल डर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इजीली ऐसा क्यों होता है फिनोल इज ये बेन्जीन बेनजीन के ऊपर है ओ एच ग्रोप यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीटूशन रिएक्शन सबस्टिट्यूशन होगी दैट इज ओ की जगह पे कुछ आए और न्यूक्लियो की ठीक है नहीं होती है इजीली ऐसा क्यों होता है यहाँ पे देखो ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज जब यहाँ से एच जाएगा ओ के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ये वाले बॉन्ड में दैट इज सी और ओ वाले बॉन्ड में आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर सो so, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला जो ग्रुप है यहां से ओ एच ग्रुप लीव नहीं कर पाएगा तो सब्सिट्यूशन उतनी ही डिफिकल्ट हो जाएगी सो so, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ सी ओ एच बॉन्ड दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इनमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन इन थे किसकी है क्या गिवन है हमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन एंड सल्फर ठीक है अब अगर हम देखें तो इन जर्नल जो आयनाइजेशन इन होती है अक्रॉस अ पीरियड वो इंक्रीज करती है बिकॉज साइज डिक्रीज करता है एंड अक्रॉस अ ग्रुप वो डिक्रीज करती है बिकॉज साइज इंक्रीज करता है ठीक है सो so, हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि जो ऑक्सीजन है उसकी हाइएस्ट आयनाइजेशन इन होनी चाहिए बट नो दिस इज एन एक्सेप्शन ओवर हेयर कि जो नाइट्रोजन है या ये वाला जो ग्रुप है इसकी ज्यादा होती है आयोनाइजेशन इन द ऑक्सीजन फैमिली रीजन इज वॉट रीजन इज हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन मीन्स मोर स्टेबिलिटी मोर स्टेबिलिटी मीन्स ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो गई उसकी सो so, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन इन थे सब में से किसकी हुई नाइट्रोजन की विच इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थर्टी टू मेटल एम के आइन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को दैट इज अ सी सी इसमें जो ऑक्साइड आयन्स हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं हाफ ऑफ द ऑक्ट्राइडल वाइड्स एंड हाफ ऑफ द टेक्ट्राहीडल वॉइड हमने बताना है कि इस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा देखो सबसे पहले तो जो एम आइन्स हैं वो फॉर्म कर रहे हैं एक सीसीपी स्ट्रक्चर तो यहाँ पे एम कितने होंगे एक तो कॉर्नर्स पे साथ में हमने उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन लगा ली और एक फेस के सेंटर में तो साथ में इसकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन लगा ली तो यहाँ पे टोटल फोर अब ऑक्साइड आयंस आयंस पे हैं हैं ऑक्साइड हाफ ऑफ द वॉइड्स वॉइड्स में तो अब यहां पे कितनी होंगी अगर ये फोर है तो यहाँ पे वॉइड्स भी फोर होंगी एंड हाफ ऑफ द टेट्राइड्रल वॉइड्स तो वॉइड्स क्या होती हैं डबल ऑफ द ऑक्टा हेड्रल वॉइड तो यहाँ पे आ गया एट तो ये क्या बन गया यहाँ से सिक्स तो फॉर्मूला क्या बन गया एम फोर ओ सिक्स जब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा एम टू ओ थ्री दैट इज टू जो टू थ्री सिक्स ऑप्शन डी क्वेश्चन करते हैं टोलुइन की विद सीएल टू इन द प्रेजेंस ऑफ एफ सी एल थ्री तो वी ऑप्टेन एक्स पहले तो इतनी रिएक्शन हम देख लेते हैं टोलुइन इज बेंजीन बेंजीन के ऊपर सी एच थ्री ये बन गया टोलुइन रिएक्शन करवानी है विद सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ एफ ई सी एल तो एफ ई सी एल यहाँ पे बिहेव करेगा एज अलवेज एसिड एफ ई सी एल बना लेगा एंड यहाँ से बनेगा सी एल तो जो सी एच थ्री है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो एक बार सी एल टू को डायरेक्ट करेगा सी एल को ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार सी एल को यहाँ पे डायरेक्ट करेगा ये पैरा पोजीशन पे ठीक है तो एक बार यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा एक बार पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा ये बन जाएगा क्या एक्स वैसे तो यहीं से ही आंसर हमें मिल जाएगा बट हम आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वाई जब हम रिएक्शन करें टोलुइन की विथ सीएल टू इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो हमें वाई मिलता है अगेन अब हम टोलुइन की रिएक्शन कर रहे हैं सीएल टू के साथ ही बट इस बार क्या है यहाँ पे सनलाइट तो यहाँ पे अब क्या होगा जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में सीएल टू के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन साइड चेन पे होती है ना कि बेंजीन रिंग में यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन बेंजीन रिंग में हुई है बट वेर एज यहाँ पे साइड चेन में रिएक्शन होगी एक बार एक एच जाएगा सीएल दूसरी बार दूसरा एच जाएगा सीएल जाएगा तीसरी बार तीसरा एच जाएगा और सी एल आएगा तो टोटल में यहाँ पे क्या बन जाएगा सी सी एल थ्री सो ये क्या बन गया है यहाँ पे एक्स इज ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन एंड वाई इज trichloromethyl benzene, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 34 फोर ओजोन कैसा मॉलिक्यूल है मीन्स उसकी शेप क्या है लीनियर है या एंगुलर है और सेकंड चीज हमें यहाँ से क्या पूछी है कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डलेंस है यहाँ पे वो सेम है या डिफरेंट है सो ओजोन इज बेसिकली ओ थ्री तो ये होता है ऐसे नाउ ये वाले ऑक्सीजन की अगर वेलेंसी कंप्लीट है तो ये वाला ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है थ्री बॉन्ड्स तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज नाउ अब देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये लीनियर तो है नहीं बेंड स्ट्रक्चर है एंगुलर स्ट्रक्चर है सो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हो गए इनकरेक्ट अब बचे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी नाउ जरूरी थोड़ा है कि इन दोनों ही ऑक्सीजन के बीच में प्लस और माइनस चार्ज हो ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव ऐसा भी तो हो सकता है बिकॉज ये दोनों ही क्या है रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं और इनके रेजोनेंस हाइब्रिड से ही ओ का स्ट्रक्चर हमें obtain होगा इसीलिए ये वाली ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बॉन्ड लेंथ और ये वाली ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेंथ सेम होंगी ना कि डिफरेंट सो करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो गया ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वॉटर रिटेंशन और पफीनेस ड्यू टू हाई सॉल्ट इन टेक अकर्स ड्यू टू किस वजह से होती है ये ड्यू टू ऑस्मोसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑस्मोसिस में लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होने लगती है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ए एंड बी को हमें आइडेंटिफाई करना है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स हमें गिवन है जब एसिटिक एंड हाइड्राइट के साथ रिएक्शन करी तो ए मिला पहले इतनी रिएक्शन देख लेते हैं वॉट इज एसिटिक एंड हाइड्राइट सी एच थ्री सी ओ ओ सी ओ सी एच थ्री तो ये हम इसी वीडियो में ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या सारे के सारे यहाँ पे जहां जहां पे भी ओ OH एच ग्रुप्स लगे हैं वहां वहां पे ही एस्टर क्रिएट हो जाएगा दैट इज पेंटा एसीटेट फॉर्म होगा तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से सी एच थ्री सी ओ ओ एच निकल जाएगा इस ओ के साथ क्या जाके जुड़ जाएगा सी ओ सी एच थ्री कितनी बार चार बार और एक यहाँ पे पांचवी बार तो ये क्या बन जाएगा CHO यहाँ पे CHO और H की जगह पे क्या आ गया COCH3 कितनी बार फोर बार एंड देन यहाँ पे क्या आ गया CH2O इसके साथ क्या आ गया है अगेन COCH3 तो A तो बन गया ये नाउ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या करेगा इस CHO ग्रुप को और एक ये जो प्राइमरी अल्कोहल वाला ग्रुप है इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें सीओ ओ एच में वेर एज ये वाले जो ओ OH एच ग्रुप्स हैं ये इंटैक्ट रहेंगे सो so, यहाँ पे ये बनेगा क्या सीओओ एच सी एच ओ एच होल फोर एंड साथ में सीओ यहाँ पे फॉर्म होगा विच इज से एसिड ठीक है सो so, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है वैसे ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन जब हम लेक टेस्ट करते हैं फॉर एल्यूमिनियम आय तो वहां पे फॉर्मेशन होता है ऑफ अ कलर्ड फ्लोटिंग लेक तो ये क्यों होता है सबसे पहले तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हम एलुमिनियम का कोई सॉल्ट है उसकी रिएक्शन करवाते हैं विद एक्वस अमोनिया तो क्या हो जाएगा एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो ब्लू लिटमस के सोल्यूशन पे एबजॉर्ब हो जाते हैं तो एबजॉर्ब हो जाते हैं तो फ्लोट होने शुरू हो जाते हैं इसीलिए हमें वहां पे एक कलर्ड फ्लोटिंग लेक दिखाई देता है सो so, यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज ऑफ लिटमस बाय एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ना की एब्जॉर्ब क्वेश्चन नंबर थर्टी यूनिट सेल ऑफ हैज फोर यूनिट्स एज लेंथ गिवन है डेंसिटी कैलकुलेट करनी है मोलर मास भी एन एस सी एल का हमें गिवन है सो फॉर्मूला इज जेड एम अपन एवो गो नंबर इन टू ए क्यूब ए क्या है यहाँ पे एच लेंथ है नाउ यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज हमें गिवन है z क्या है यहाँ पे गिवन रो तो कैलकुलेट ही करना है z क्या गिवन है फोर ठीक है इन टू अब यहाँ पे हमें m के साथ मल्टीप्लाई करना है विच इज गिवन वॉट 58.5 बट इसके यूनिट्स क्या हैं ग्राम ग्राम पर पर मोल मोल तो अगर ये ग्राम पर में है तो ये हम ले लेंगे सेंटीमीटर में अगर ये किलोग्राम में होती तो हम इसको ले लेते मीटर में तो अब यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर इस 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री इंटू ए क्यूब करना है अब अब ये क्या गिवन है नैनोमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे पावर माइनस सेवन और इस सब का यहाँ पे आ जाएगा होल क्यूब तो जब इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी किसकी इक्वल आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली थ्री के विच इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली अरेन्ज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड ऑप्शन ए क्या है इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोशिएशन एन थेपी गिवन है हमें फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन और आयोडीन की ये वाला जो ऑर्डर गिवन है ये इनकरेक्ट ऑर्डर है बिकॉज करेक्ट ऑर्डर क्या है सबसे कम आयोडीन की देन फ्लोरीन की देन ब्रोमीन की एंड देन क्लोरीन की बॉन्ड डिसोशियेशन एनथेल्पी का ये ऑर्डर होता है फ्लोरीन यहाँ पे पीछे आ जाता है बिकॉज स्मॉल साइज होता है लोन पर लोन पर रिपल्शन ज्यादा होते हैं तो बॉन्ड को डिसोशिएट करने में उतनी ज्यादा इंथेल्पी नहीं लगती ऑप्शन बी क्या गिवन है हमें इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्लियरली ये जो ऑर्डर है दिस इज एन इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ एन में एन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है थ्री एन टू ओ में एन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वन एन एच टू ओ एच में एन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है माइनस वन क्लियरली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर तो है नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट का सो दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बी आई एच थ्री एस बी एच थ्री ए एस एच थ्री पी एच थ्री एंड एन एच थ्री का इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल का ऑर्डर गिवन है अब जैसे जैसे जो सेंट्रल एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज अगर होगी जो जो सेंट्रल एलिमेंट है उसकी तो वैसे वैसे ही बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा इसलिए जो ऑप्शन डी है यहाँ पे दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टी कौन सा रिएजेंट और रिएक्टेंट यूज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टू फोर डाई पेंटेन थ्री ओल है क्या बेसिकली टू फोर डायमिथाइल पेंटेन थ्री ओल इट इज सी एच थ्री सी सी एच थ्री तो यहाँ पे आ गया एच सी यहाँ पे है ओ OH, एच तो यहाँ पे आ गया एच यहाँ पे है अगेन सी एच थ्री एच एंड यहाँ पे सी एच थ्री यही तो है टू फोर डाईमिथाइल पेंटेन थ्री ओल तो अब ये कैसे बनेगा फ्रॉम ऑप्शन डी लेट्स कैसे टू मिथाइल प्रोपेनल वॉट इज टू मिथाइल प्रोपेनल सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच ओ यही है टू मिथाइल प्रोपेनल किसके साथ रिएक्शन करनी है विद आइसो प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड विच इज मैग्नीशियम आयोडाइड इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है वो आगे टू कार्बन आइटम्स के साथ जुड़ा है वेलसी कंप्लीट कर लो तो ये बन गया आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड नाउ ये दोनों रिएक्ट करके ये फॉर्म कर रहे हैं कैसे फॉर्म कर रहे हैं सी सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच ओ ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर एल्डिहाइड गिवन है जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज ठीक है सिमिलरली जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो मैग्नीशियम है मेटल मैग्नीशियम पे आएगा पॉजिटिव कार्बन पे आएगा नेगेटिव तो अब नेगेटिव को पॉजिटिव दे दो पॉजिटिव को नेगेटिव दे दो तो ये क्या बनेगा इस कार्बन के ऊपर आके जुड़ जाएगी ये सारी चीज दैट इज सी एच साथ में सी एच थ्री सी एच थ्री और इस ओ के ऊपर आके जुड़ेगा एम जी आई अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो एम जी आई हट जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा एच सो so ये बेसिकली बन किया जाएगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री यहाँ पे है कार्बन इसके साथ आ गया H इसके साथ पहले ही है H और इस कार्बन के साथ आके जुड़ गया ये वाला कार्बन इस कार्बन पे पहले से H है और एक सी एच थ्री ये और एक सी एच थ्री ये तो अब हम देखते हैं कि क्या ये और ये सेम है देखो दिस इज सी एच थ्री सी 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 एच थ्री सी एच थ्री सी 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 एच थ्री जो थर्ड वाला कार्बन है उस पे लगा है ओ OH, एच और जो सेकेंड और फोर्थ वाले कार्बन है उन पे लगे हैं दो सी एच थ्री ये है थ्री तो बना यहाँ पे सो ऑप्शन डी यहाँ पे है करेक्ट ऑप्शन सिमिलरली आप यहाँ पे ऑप्शन ए बी और सी में से भी ट्राई कर सकते हो किसी में से भी ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा क्वेश्चन नंबर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल सबसे पहले तो व्हाट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल ये है बेंजीन इसके ऊपर है सी एच टू ओ एच तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल ऑर्थो पे क्या लगाना है हाइड्रोक्सी दैट इज ओ एच तो ये क्या बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल जब इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं विद पी सी एल थ्री तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें तो पी सी एल थ्री क्या करेगा बेसिकली इस वाले ओ OH एच को सब्सटीट्यूट करेगा विद सी एल तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सी एच टू सी एल एंड ये वाला जो बेंजीन के ऊपर सब्सटीट्यूटेड था ओ एच ग्रुप ये एज इट इज रहेगा तो इसका यहाँ पे क्या नाम बन गया फिर ये अब बेसिकली बन गया फिनोल तो यहाँ पे आएगा वन यहाँ पे आएगा टू ये क्या बन गया है यहाँ पे टू पे क्या लगा क्लोरो मिथाइल एंड है क्या ये फिनोल दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन फोर्टी टू इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ऑप्शन ए अमोनिया इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड स्ट्रोंगेस्ट बेस अमंग द ग्रुप फिफ्टीन हाइड्राइड्स तो स्ट्रोंगेस्ट बेस तो अमोनिया है ही बिकॉज जो सेंट्रल मेटल नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे क्या है हमारे पास गिवेन अमोनिया इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पे बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप द रिड्यूसिंग करेक्टर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकेंडरी एल्होल्स को आइडेंटिफाई करना है हमें यहां पर ऑप्शन वन क्या है सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ एच सी एच थ्री तो जिस कार्बन से ओ एच OH जुड़ा है वो आगे दो कार्बन से जुड़ा है सो so, ये है सेकेंडरी कार्बन बिल्कुल सही है अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन टू तो ये क्या गिवन है कार्बन कार्बन के साथ ओ OH, एच और यहाँ पे तीन तीन ग्रुप्स क्लियरली ये एक टर्सरी अल्कोहल है सो so ये तो नहीं होगा ये तो है ही फिनोल तो ये भी नहीं होगा अब यहाँ पे देखें क्या है ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ ओ OH ग्रुप जुड़ा है ये आगे दो दो कार्बन से अटैच है सो दिस इज ऑल्सो अ सेकेंडरी अल्कोहल अब यहाँ पे देखो बंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली ओ अटैच था सो दिस वॉज फिनोल यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली ओ एच अटैच नहीं है सो दिस इज नॉट अ फिनोल सो यहाँ पे ये यह जो फर्स्ट एंड फोर्थ वाले कंपाउंड है ये दोनों ही सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर अल्किलराइज ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या फॉर्म होता है वॉट इज अल्कीन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू जब हम इसमें ऐड करते हैं ब्रोमीन वाटर किसकी प्रेजेंस में सी सी एल फोर की प्रेजेंस में तो दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द अनसेन इन कंपाउंड होगा क्या यहाँ पे सी एच टू यहाँ पे भी ब्रोमीन लग जाएगी एंड साथ में यहाँ पे भी ब्रोमीन लग जाएगी एंड ऐसे कंपाउंड जहां पे एडजस्टिंग कार्बन एटम्स के साथ ही दो दो हेलोजेंस लगे हों उन्हें क्या बोलते हैं विसिनल कंपाउंड्स एंड यहाँ पे यह क्या बन गया विसिनल डाई ब्रोमाइड क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव से स्टार्ट हो रहे हैं टाइप इन क्वेश्चन में करना क्या है हमें किस बेसिस पे ए बी सी डी ऑप्शन यहाँ पे देना है अगर तो यहाँ पे जो असर्शन और रीजन स्टेटमेंट्स गिवन है ये दोनों ही ट्रू हैं ठीक है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन और जो यहाँ पे रीजन वाली स्टेटमेंट गिवन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्शन के लिए तो वहां पे हम लिखेंगे ऑप्शन ए ठीक अगर बोथ असर्शन और रीजन ट्रू हैं बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के लिए तो वहां होगा ऑप्शन बी अगर असर्शन स्टेटमेंट जो गिवन है वो ट्रू है बट जो रीजन वाली स्टेटमेंट गिवन है वो फॉल्स है तो ऑप्शन सी और अगर असर्शन वाली जो स्टेटमेंट गिवन है वो फॉल्स है और जो रीजन वाली स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है तो वहां पे होगा ऑप्शन डी ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ऑक्सीजन की कम होती है देन दैट ऑफ फ्लोरिन बट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो ट्रेंड है ये चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एन थेरेपी के लिए दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है ये क्यों है ऐसा बिकॉज जैसे जैसे हम इधर को जा रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड वैसे वैसे नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है सो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो रही है इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन इन थे भी इंक्रीज हो रही है अगर हम यहाँ पे रीजन देखें तो क्या गिवन है आयनाइजेशन इन थे ऑफ द एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा देन ऑक्सीजन देन फ्लोरिन नाउ हमें पता है कि जैसे जैसे हम एक पीरियड में मूव करते हैं साइज डिक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी ठीक है तो इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी फ्लोरीन की बट देन उसके बाद होगी नाइट्रोजन की एंड देन ऑक्सीजन की हमने ऑलरेडी डिस्कस किया यहाँ पे क्या है हाफ फिल्ड कंफिग्रेशन विच इज स्टेबल सो करेक्ट ऑर्डर होगा फ्लोरिन इसीलिए ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स क्या गिवेन है असरशन इज अलकाइल हलाइट आर इनसोलबल इन वाटर बिल्कुल करेक्ट है दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट अलकाइल हलाइट आर एक्स होते हैं पोलर इन नेचर तो वी एक्सपेक्ट कि ये वाटर में डिजोल्व करेंगे बिकॉज वाटर भी पोलर है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता बिकॉज जो इनके आपस के फोर्सेस होते हैं अट्रैक्शन के वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करके जो फोर्सेस जनरेट होते हैं उनसे सो so, इसीलिए ये दे रिमेन इन्सॉलिबल इन वाटर यहाँ पे रीजन क्या गिवन है अल्काइल हलाइट हैव हलोजन अटैच टू एस पी थ्री कार्बन एटम बिल्कुल सही बात है यहाँ पे जो ये वाला कार्बन आइटम होता है ये एसपी थ्री हाइब्रेडाइज होता है ये भी बिल्कुल करेक्ट है ट्रू है अब दोनों स्टेटमेंट्स तो ट्रू हैं, बट जो यहाँ पे रीजन गिवन है क्या ये ट्रू रीजन है करेक्ट रीजन है असर्शन के लिए नो no. अल्काइल इड सोल्यूबल नहीं है वाटर में उसका रीजन तो कुछ और है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है उसका रीजन ना कि ये कि जो हेलोजन है वो एसपी थ्री हाइडाइज कार्बन से अटैच होता है सो अजर्शन इज ट्रू रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर अजर्शन सो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन असर्शन क्या गिवन है मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन चेंजेस विथ टेम्परेचर बिल्कुल सही ट्रू स्टेटमेंट है जो मोलैरिटी है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है इसीलिए वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो मोलैरिटी है वो बेटर होती है मेजरमेंट के लिए एज कम्पेयर टू मोलैरिटी रीज़न क्या है मोलैरिटी इज अ अगेटिव प्रॉपर्टी नो मोलैरिटी इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ दल्यूट ठीक है सो on so, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट असर्शन क्या गिवन है एसओ टू रिड्यूसिंग एजेंट है वेर एस टीईओ टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिल्कुल सही ट्रू स्टेटमेंट है ये देखो एस ओ टू में S की ऑक्सीडेशन स्टेटस प्लस फोर टी ई ओ टू में टीई की ऑक्सीडेशन स्टेटस प्लस फोर बट वी नो एज वी मूव डाउन द ग्रुप वैसे वैसे क्या होता है कि जो कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट सो एसओ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा आर रिड्यूसिंग एजेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स सो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अभी भी प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट तक यहाँ पे सल्फर जा सकता है सो इट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वेयर एज टीई टू क्या है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स सो पे इलेक्ट्रॉन गेन करके प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में टीई जा सकता है इसीलिए इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये वाली जो स्टेटमेंट है इट इज ट्रू रीजन क्या गिवन है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम एसओ टू टू टी ईओ टू बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ ऑक्सीजन फैमिली डाइऑक्साइड्स के केस में जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज होती है अगेन इनर्ट इफेक्ट सो रीजन भी ट्रू असर्शन वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट वॉट इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट के एफ दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे यस दिस इज करेक्ट बिकॉज हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग क्राइस्कोपिक कॉन्सटेंट होता है ये वाली जो स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू देन रीजन क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज अवर्सल कॉन्स्टेंट नो ये तो डिफरेंट होता है डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है दिस इज़ फॉल्स सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कमिंग टू सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी देखते हैं यहाँ पे मैच करना है हमें ऑप्शन हमें गिवन है सो अमीनो एसिड्स हमें पता है क्या फॉर्म करते हैं स्वेटर आइन फॉर्म करते हैं सी ओ ओ नेगेटिव फॉर्म हो जाता है और एन एच फोर पॉजिटिव फॉर्म हो जाता है इन केस ऑफ अमीनो एसिड्स थायमिन डी एन ए में होता है इंसुलिन एक प्रोटीन है और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस हमें मिलती हैं न्यूक्लिक एसिड्स में सो so, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी

थ्री थ्री लोन पेयर्स हैं इसके पास सो so ठीक है लीनियर है शेप अगर हम यहाँ पे सी एल एफ थ्री की शेप देखें तो वो क्या हो जाएगी टू लोन पेयर्स हैं तो इट इज टी शेप्ड वेयर एज नॉट ट्राइगोनल प्लेनर तो ये ऑप्शन भी हो गया इनकरेक्ट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी हीलियम को यूज करते हैं मिटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए एंड आर्गन को यूज करते हैं फॉर मेटोलॉजिकल प्रोसेस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू कंप्लीट करनी है हमें ये स्टेटमेंट्स सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स किनको बोलते हैं हम आइसोमर्स को एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस किसको बोलते हैं इनशियोमर्स को सो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री टू फिफ्टी फाइव है केस स्टडी पे बेस्ड ये यहाँ पे हमें केस स्टडी गिवन है यू कैन रीड इट स्क्रीन शॉट ले सकते हो तो आई एम नॉट रीडिंग होल द टू पैराग्राफ्स टू सेव टाइम

सो रेडियस रेशियो कम्स आउट टू बी पॉइंट फाइव एट जो लाइक कर रही है इस और इस रेंज में सो so, यहाँ पे हो सकता है कॉर्डिनेशन नंबर फोर या सिक्स फोर कोई ऑप्शन नहीं गिवन सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी दैट इज सिक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर एक सॉलिड है ए बी जिसका स्ट्रक्चर कौन सा है स्क्वायर प्लेनर रेडियस ऑफ केटाइन गिवन है हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अनाइन बी नेगेटिव दैट इज रेडियस निकालना है यहाँ पे अब अगर हमें यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर गिवन है तो अगर हम यहाँ पे देखें कि उसकी रेडियस रेशियो क्या होगी तो वो होगी पॉइंट फोर वन फोर टू पॉइंट सेवन थ्री टू तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक बार ले लेते हैं पॉइंट फोर वन फोर विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ केटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन हमें कैलकुलेट करना है तो यहां से ये यह क्या निकल आएगा वन ट्वेंटी अपॉन पॉइंट फोर वन फोर एक बार हम यहाँ पे क्या ले लेंगे पॉइंट सेवन थ्री टू ये किसके इक्वल होगा वन ट्वेंटी अपॉन रेडियस ऑफ अनाइन तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन ट्वेंटी अपॉन पॉइंट सेवन थ्री टू तो जब इन दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये रेंज आ जाएगी हमारे पास फ्रॉम टू पिकोमीटर पीकोमीटर टू वन सिक्सटी फोर पीकोमीटर सो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई इसकी टू नाइंटी विच इज ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव अ गुड फिट इज कंसिडर्ड टू बी वन वेर द केटाइन कैन टच अब इसका आपको आंसर मिलेगा डायरेक्टली पैसेज से क्या गिवन है यहाँ पे इफ द केटाइन कैन टच ऑल ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर अनायंस देन द फिट इज गुड तो गुड फिट हम किसको कहते हैं यहां पर के जो केटाइन है इट कैन टच ऑल ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर अनायंस दैट इज ऑप्शन ए नी डाउट्स यू कैन ड्रॉप यूर कमेंट्स इन द कमेंट्स सेक्शन और इस सैंपल पेपर की पी डी एफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल्सो इस वीडियो को मैं असाइन कर रही हूँ टाइम टैग जिससे यू कैन डायरेक्टली जम टू एनी ऑफ द सेक्शंस